शिक्षा विभाग ने भी अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में जब हमने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से खास बातचीत करी तो उनका कहना था कि उनका प्लान तैयार है और पूरी सक्रियता के साथ इस पर वो काम भी कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने खाली पदों को लेकर के आरक्षण में गड़बड़ी के सवाल पर और पेपर लीक मामले में भी जवाब दिया है। सुनिए हमारी उनसे ये एक्सक्लूसिव बातचीत। योगी 2.0 की सरकार पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में तमाम विभागों का लंबे समय से प्रेजेंटेशन चल रहा है। ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री इस वक्त हमारे साथ संदीप सिंह मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। संदीप जी, बेसिक शिक्षा विभाग का भी प्रेजेंटेशन चला है, 100 दिनों का कार्य योजना, 100 दिन का एक्शन प्लान आपको बताना पड़ा। ऐसे में एक लंबे समय से मांग हो रही है कि शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी भी आपसे मुलाकात किए थे कि जो शिक्षक भर्ती वो कब निकलेगा। ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, जितने भी शिक्षक भर्ती के प्रकरण चल रहे हैं तो सरकार का यही प्रयास है कि सारी जितने भी ये प्रकरण है इनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि समस्या ये है इसमें से केसेस जो है माननीय न्यायालय के निर्णय के लिए पेंडिंग है। तो जब तक कोर्ट से इन केसेस का कोई डिसीजन नहीं आ जाता, कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती, तब तक सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। जब से हमारी सरकार बनी है, योगी 2.0 की सरकार बनी है, तो हमने प्राथमिकता पे लिया है कि सरकार की तरफ से जो भी इसमें पैरवी की जानी है केसेस को, गवर्नमेंट की तरफ से उसको पूरी पैरवी की जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और इन केसेस को सॉल्व करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक सवाल ये भी लाजमी है कि अभी जब आचार संहिता लगा था उससे पहले 5 जनवरी का ये आदेश था, मुख्यमंत्री की ओर से ही जारी किया गया था कि 6800 पदों पे भर्ती किया जाएगा, क्योंकि 69,000 जो शिक्षक के भर्ती हैं वो लगातार आरक्षण के गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उनका ये मांग है कि 68 जो पद 69,000 से इतर जो सृजित किया गया था उस पर कब आएगी भर्ती, ये सवाल है। देखिए, उसमें 6800 लोगों की एक सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन उसमें भी निर्णय कोर्ट का ही आना पेंडिंग है कि जो लोग उनकी जगह पे नियुक्त किए गए उनका क्या करना है। उसमें कोर्ट का जब तक कोई निर्णय हमारे पास क्लियर डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। 6800 लोगों की सूची जारी कर दी गई है और सरकार का यही प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। ये सवाल है संदीप जी, क्योंकि आप नए मंत्री बने हैं बेसिक शिक्षा के, लगातार देखा जा रहा है कि नकल विहीन परीक्षा की बात की जा रही है और आप उनके पोते हैं जो कल्याण सिंह थे, राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो वो नकल को लेके एक तरह से मुहिम चला रखा था और उनके समय में कहा जाता है कि नकल कोई नहीं कर सकता थे, बड़ा क्रांतिकारी उन्होंने कदम उठा रखा था। लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि पेपर लीक का समस्या बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है सेंटर तक जो पेपर लेके जाते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है और इसको कंट्रोल कैसे करेंगे आप? देखिए, इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा रहा है और हमारी सरकार में जब से हमारी सरकार बनी 2017 से हमने प्रयास रहा कि सारी परीक्षाएं नकल विहीन हो और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए जो भी लोग अगर हमारे सामने कोई प्रकरण सामने भी आया तो पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द करवा के दोबारा परीक्षा करवाई गई। और जैसे कि अभी बोर्ड की परीक्षाओं में कुछ पेपर लीक होने के प्रकरण हमारे सामने आए तो उसमें पूरे जो रैकेट उसमें शामिल था उसको पूरा का पूरा उसको खोल करके केस को और सब लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करने का ना सोचे। तो हमारी सरकार का यही प्रयास है कि अगर कोई जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार कार्य करती है और अगर इस तरह का कोई प्रकरण सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। ये थे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का साफ तौर पे कहना था कि देखिए नकल विहीन परीक्षा का लगातार हमारी सरकार योगी 2.0 सक्रिय रही है और हम लापरवाही भी नहीं बरतने दे, जो भी करता है उसको रद्द भी करते हैं और उसको निष्कासित भी करते हैं। लगातार जो शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उसमें भी हमारी पूरी कोशिश है कि इन 5 सालों में हम जितनी भर्ती हो सकती है पूरी निष्पक्षता के साथ कराएंगे। क्राइम रियाज के साथ मैं जनता टीवी लखनऊ।